हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमपीजीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं 10वां पार्ट बना रहा हूँ एमपीजीके का। इससे पहले 9 पार्ट बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में उन्हें देख सकता है, और जो लोग ऑनलाइन स्टडी करने में रुचि रखते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो वो थी सरला ग्रेवाल, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। जब छत्तीसगढ़ था तो पहला स्थान था इसका, छत्तीसगढ़ का अलग होने के बाद इसका दूसरा स्थान हो गया। होली डोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण कहाँ पर कराया था, तो वो विदिशा में कराया था। जो हेलियोडोरस था उसने गरुड़ ध्वज का निर्माण विदिशा में कराया था। कर्मवीर का संपादन किसने किया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने कर्मवीर का संपादन किया था। बेगम अस्करी बाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनमें से कोई नहीं। तानसेन से भी सम्मानित नहीं किया गया, पद्मश्री से भी नहीं, और शिखर सम्मान से भी सम्मानित नहीं किया गया। बेगम अस्करी बाई को सॉरी हबीब तनवीर कौन थे, तो वो नाट्यकार थे, जो हबीब तनवीर थे। पीस ऑफ माइंड की लेखक कौन है, तो इसकी लेखक है उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है, तो वो कल्हड़ हैं, जो मध्य प्रदेश के संस्कृत कवि नहीं है। नहीं तो भव भूति और मॉडर्न मिश्र और कालिदास ये मध्य प्रदेश के कवि थे। मेरी संसद यात्रा किस लेखक की रचना है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बुक लिखी थी, मेरी संसद यात्रा। हंसते हैं और रोते हैं किस कवि की रचना है, तो हरिशंकर परसाई जी की ये रचना है, कविता है, जिसका नाम है हंसते हैं और रोते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस बाग के प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये सरोद, जो वादक यंत्र होता है उसके ये वादक हैं, उस्ताद अजमल अली खां, अमजद अली खां। बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो दोनों, अधिकतर नृत्य में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, चित्रकारी में भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा फेमस नृत्य में भी हैं। नया थिएटर की स्थापना किसने की थी, तो अभी तनवीर, जो कि एक नाट्यकार थे। बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से है, तो वो मैयर से है, मैयर में उनकी एक दरगाह बनी हुई है, तो उनका संबंध कहाँ से है, मैयर से। द्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ये तो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों ये इंदौर में मनाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म छतरपुर में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। बंसी कोल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो नाट्य मंच में। निम्न में से कौन नाट्य सम्राट उपनाम से प्रसिद्ध है, तो कार्तिक राम, जो कि नृत्य सम्राट उपनाम से प्रसिद्ध हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, तो वो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, जिसमें चांद का मुंह टेढ़ा है इस नाम से है। कुमार गंधर्व संबंधित हैं, तो ख्याल गायकी से, ये गायकार हैं, तो कुमार गंधर्व, तो ये ख्याल गायकी से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था, तो खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था। बिलावा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो उपरोक्त दोनों, स्याही बनाने में भी और पेंट बनाने में भी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है, तो उज्जैन जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वानिकी योजना सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1976 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ हीरे का उत्पादन होता है, तो वो मध्य प्रदेश है, जहाँ पन्ना की मलाजखंड बरवेली नहीं सॉरी ये नहीं है कुछ और नाम है, ये तो बालाघाट की तांबे की खदान है मलाजखंड, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश में ही है पन्ना में।
सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या है। देश में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश में। देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो ये अमरकंटक में स्थित है। एशिया का प्रथम व विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो ये इंदौर शहर में स्थित है। एशिया का प्रथम है और विश्व का तीसरा है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो वो नीमच में। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है? तो वो है राजगढ़, जिसने देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है? तो वो झाबुआ में स्थित है। देश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो शिवपुरी में स्थित है, जो चलित टेलीफोन एक्सचेंज है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM विश्वविद्यालय खोले गए हैं? तो वो इंदौर शहर है, जहाँ पर ये दोनों हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है, नीमच शहर में। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? तो वो भोपाल की जेल है, जो बच्चों के लिए बनाई गई है। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है विशेष क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने में। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जबलपुर में ये स्थापित किया गया है, जो हीरो को परखने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा नदी किस तरह बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विद्यालय के अंतर्गत आते हैं? तो जो सागर का जो डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा महाविद्यालय आते हैं, डॉक्टर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। एशिया का, सॉरी भारत का पहला और एशिया का दूसरा या तीसरा कुछ ऐसा है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ पर है? तो ये मऊ में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कृषि महाविद्यालय नहीं है? तो भोपाल में नहीं है, खंडवा में है, इंदौर में, सीहोर में है, ग्वालियर में भी है, और भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 तथा ISO 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वो जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल, इसको ISO सर्टिफिकेट दिया है। और एक स्टेशन कौन सा है? तो वो हबीबगंज स्टेशन है भोपाल का, जिसे ISO सर्टिफिकेट 9001 मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो MPGK के 10वां पार्ट है। इससे पहले मैं 9 पार्ट बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।